अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से पहले एक हफ्ते तक देश के मंदिरों में सफाई अभियान छेड़ने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा मंडल रामपुर ने भी भाजपा नेता कौल सिंह एवं मंडलाध्यक्ष कुलबीर खूंद की अगुवाई में रामपुर बुशहर के सराहन में माँ भीमा काली मंदिर से स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज से भाजपा कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान के तहत मंदिरों और उसके परिसरों की सफाई करने के मिशन में जुट गई है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक यह सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस आह्वान को गंभीरता से लिया जाएगा। रामचंद्र की जय, माँ भीमा काली की जय, माता भीमा काली की जय, जय लकड़ा वीर की जय। गौरव और हर्ष का विषय है कि हम सभी के आराध्य भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और पूरे देश में एक उत्साह और ऊर्जा का वातावरण है कि लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम एक भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आसपास के सभी मंदिरों में जाकर सभी देशवासी स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी देशवासी नजदीकी मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करेंगे और इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी रामपुर मंडल ने माँ भीमा काली सरहान के प्रांगण में स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित थे। आने वाले समय में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी मंदिरों में जाकर कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 22 जनवरी को ऐसे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और बहुत ही उत्साह के साथ वहां पर भजन कीर्तन करेंगे, एक हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा और यहां पर सभी कार्यकर्ता आज इस स्वच्छता अभियान में सम्मिलित है।